हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिकमा हिंदी चैनल। मैं हूँ अनिकमा। आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी मार्च के प्रेडिक्शंस। देखते हैं क्या होने वाला आप लोगों के साथ मार्च मंथ में। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इनमें से जो भी आपका फेवरेट पाइल है उसको चूज़ करिए और रीडिंग की तरफ स्किप कीजिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। पर्सनल रीडिंग्स आप मुझसे ले सकते हो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट अस सी। ओके, सो द फर्स्ट वन इसको हम कर देते हैं साइड पे, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो देखते हैं पहला मैसेज आप लोग के लिए क्या है, विच इज द हार्ट, फाइल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्ट में मैसेज देखते हैं, टाइम विल टेल, एंड देन यू आर हैविंग ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। The King of Wands, the Two of Wands, I bury myself to forget you, change, Eight of Cups. Unrequited love, you're being watched by loving eyes. A man holding a coin, protected. The answers you need are coming. तो सबसे पहले तो इन कार्ड्स को देखते हैं, इनका मतलब क्या है। तो इस स्प्रेड से बहुत ही क्लियर है पाइल नंबर 1 कि जो पर्सन है ना, वो आपको कोई मिस कर रहे हैं। ये हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी या एरीज, सजिटेरियस, लियो हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको काफ़ी डेस्परेटली देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बार 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 इनके माइंड में आ रहे हो, तो आपको बार बार ना इनको सोचना पड़े क्योंकि ये चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए ये पर्सन अब ओवरवर्क कर रहे हैं ताकि आपको इग्नोर कर सके। बट जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, ठीक है, जब से आपने इनको छोड़ा है, किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने आपके साथ गलत किया होगा या आपको किसी चीज़ की बुरा लगा होगा, तो आपने इनको छोड़ दिया, तो उस टाइम के बाद ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिन रात, मतलब ये स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, आपको भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं पर नहीं भूल पा रहे हैं, तो ओवरवर्क कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये है अनरिक्वायर्ड लव सिचुएशन। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि बहुत कुछ हो सकता था तुम दोनों के बीच में, बट नहीं, चीज़ें फ्लरिश कर पाई क्योंकि आप दोनों के जो ख्याल थे वो अलग थे, मैच नहीं कर रहे थे। सो, ये पर्सन, शायद आपको कोई नए पर्सन मिले हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ ना चले जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन आपके पास एक चेंज होकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही लविंग एनर्जीज़ के साथ आना चाह रहे हैं, कमिटमेंट के साथ आना चाह रहे हैं। तो जो आपको छोड़ के गए थे या जिनको आपने छोड़ा था जिस रीज़न से, वो पर्सन अपोलोजाइज करके आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और धीरे धीरे करके ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इनके साथ रहोगे दोबारा से कि नहीं रहोगे, बिकॉज इन्होंने जो चीज़ें करी हैं पास्ट में आपके साथ, उसके बाद आपका इनमें हो सकता है कि ट्रस्ट ख़त्म हो गया हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके साथ आगे जाना चाह रहे हो या फिर आप एक नए रिलेशनशिप को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में। बट ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ पे ग्रोथ है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन में खुश हो कि नहीं हो, वो टाइम के साथ आपको पता लगेगा। सो द आंसर्स आपको ये पर्सन बहुत ही जल्दी बताएंगे कि इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है,
जो बहुत ही ज़्यादा एरीज सेजिटेरियस लियो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका करियर में भी मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और यहाँ पे जो भी चीज़ पे आप मेहनत करोगे या फिर जो भी चीज़ को आप पाने की कोशिश करोगे वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और आपके तरफ प्रोटेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन आपके और आपको लेकर बहुत पजेसिव ही होंगे, प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, और इनको इस चीज़ का फियर है कि आपको ना खो दें, सो ये चेंज होके आपकी तरफ आएंगे कमिटमेंट के साथ। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अगर अभी नहीं है तो बहुत जल्द ये पर्सन सक्सेसफुल होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि आप इनके पास वापस नहीं आना चाह रहे हो और आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ में एक और पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ आपका फाइनल कमिटमेंट होगा। बहुत रिच और सक्सेसफुल होंगे वो, और उस टाइम आप डिसीजन लोगे अपने नए लव की तरफ। ठीक है, नाउ दिस डिपेंड्स, ये आप सब पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत टेंशन है कि ये आप इनको छोड़ के चले गए या फिर ये आपको छोड़ के चले गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में अब कभी बात नहीं होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं इस चीज़ को लेके कि शायद हमारे बीच में अब कभी कोई रिकन्सिलेशन, कभी कोई रीयूनियन नहीं हो पाएगा, तो आपको इस चीज़ का बहुत डर है, वरी है। तो अगर आप इस टाइप की टेंशन ले रहे हो तो आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आने वाले और बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं। ठीक है, आप शॉक हो जाओगे कि ये पर्सन भी आपको आपसे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सो जहाँ इधर क्या है कि न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में है और आपके पर्सन आपके लिए फ़ाइट करेंगे, आपके पर्सन आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना हो सके वो आपके लिए करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। वो सारी मेहनत करेंगे आपको पाने की, आपको खुश देखने की। एरी सैजिटेरियस लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, न्यू बिगनिंग के साथ आएंगे और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चलेगा, बहुत लॉन्ग टर्म पर। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स सी, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इमोशंस की वजह से बहुत कंफ्यूजन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, शायद किसी ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया छोड़ने का एक दूसरे को, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। अब आप दोनों के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी, आप दोनों के बीच में बातें होंगी और जो भी सॉर्ट करने वाली होंगी चीज़ें वो होंगी, और यहाँ पे आप दोनों का मुझे रेकन्सिलेशन रीयूनियन दिखाई दे रहा है। उसके बाद है एम्पथी। एम्पथी मतलब कि आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, इन पर्सन को इतना स्ट्रांग फीलिंग्स है उनको कि वो आपकी हर एक फीलिंग को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से आपकी खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अब उनको ये सिचुएशन समझ आ रही है, अब उनको आपकी ज़रूरतें समझ आ रही है कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए उनको क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें वो समझना चाह रहे हैं, एडजस्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। पहले नहीं करना चाह रहे होंगे बट अब करना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन अब वेट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कब तक कम्युनिकेशन होगा, तो 2 हफ्ते से लेके 2 महीने हो सकते हैं या फिर 8 दिन हो सकते हैं कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है, नाउ लास्ट है एडवाइस। एडवाइस आपके लिए है एमेथिस्ट। यहाँ पे आपको एमेथीस्ट का क्रिस्टल बहुत ही सूट करेगा, ये एमेथीस्ट है। एमेथीस्ट का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो क्योंकि ये आपको इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग करेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में आसपास आपके क्या हो रहा है और इन पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको पता लगेंगी, स्पेशली आपकी खुद की फीलिंग्स कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तो आपकी आसपास चीज़ें क्या हैं और कैसी होनी चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल रहेगा। सो दैट वॉज योर फर्स्ट रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्यार देना ज़रूर, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें INIGMA.IN, बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू बैक अगेन, बाय।
ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर टू. देखते हैं मार्च में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं. सो यहाँ पे हमारे पास है एमेथिस्ट. ओके सो आपने चूज किया एमेथिस्ट. देखते हैं क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं. सो सबसे पहले तो हम रखेंगे ये वाला ब्यूटीफुल मैसेज. सीक्रेट यूनियन ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट. उसके बाद है हमारा अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइम टू डिसाइड डू समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट यू आर गुड इनफ लुक एट द बिगर पिक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स Envy. It's up to you. Clear quotes. I hate who I really am from you. Okay. After then, we have turned knowledge into wisdom. ठीक है जी. So these are the messages. इसके अलावा हमारे पास कुछ टैरो कार्ड्स हैं. ओके ग्रेट फॉर्चून इज ऑल्सो देयर. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास तीन टैरो कार्ड्स मैं अभी दिखा देती हूँ, उनको लेआउट करती हूँ थोड़ी देर तक. तो योर सॉट्स फाइव ऑफ वांड्स जस्टिस. जिन्होंने टू पाइल चूज किया वो लकी भी हैं, बट बहुत कुछ आपको सुनना भी पड़ेगा. विच मीन्स कि आपको स्कोर छोटा कर देते हैं और यहाँ पे ले आउट करते हैं. जस्टिस फाइव ऑफ वांड्स एंड द थ्री ऑफ सोर्ड्स. आई होप के सारे कार्ड्स एडजस्ट हो गए. राइट सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों के साथ कि आपके आसपास बहुत ही ज्यादा जेलसी है. एक रीज़न ये है कि आप बहुत ही केपेबल हो. ये जो लोग आपसे जलते हैं उनको पता है कि आप बहुत पैसा आपके पास है, या फिर आप बहुत केपेबल हो कि आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपके पास पैसा ज़्यादा आने वाला है, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आप मैच्योर हो, बट आप दिखाते नहीं हो. ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो और आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करना भी पसंद नहीं है. ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोगों की बातों पर आकर उनकी जेलसी की वजह से खुद पे डाउट करने लग जाते हो. आपको लगता है कि शायद मेरे में कोई कमी है, एक्चुअली में मैं कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए मेरे बारे में ये लोग ऐसा कहते हैं. द ट्रूथ इज़ कि आपका कार्मिक डेट है. पास्ट में आपकी जो कर्मा थे उसका ही आपको इस लाइफ में पे ऑफ करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है. तो आपके पास सक्सेस तो अनलिमिटेड है, रिलेशनशिप अनलिमिटेड है, जिसके साथ भी आपकी मैरिज होगी, कमिटमेंट है, या जिनके साथ होगा या हो चुका है, वो बहुत ही ब्लेस्ड होगा. ठीक है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग होंगे वो हमेशा आपसे जेलसी करेंगे. लेकिन आपके कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस है आप सोच नहीं सकते हो. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि क्या मैं इन लोगों को प्लीज करने के लिए अपने आप को बदलूं, या मैं अपने रास्ते में खुद चलूं और अंडरस्टैंड करूं कि मैं अलग हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इनको खुश करने के लिए अपने आप को चेंज करूं. सेल्फ लव, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि या तो मैं खुद को खुश कर सकता हूँ या मैं लोगों को खुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की वैल्यू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस, ग्रेट फॉर्चून और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला कार्ड है. ठीक है,
आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आप कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते जा रहे हो, आपकी ग्रोथ होती जा रही है। लोगों को आपका चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप यार, आप तो बहुत केपेबल हो, आप दिखाते नहीं हो, बट जैसे जैसे उनको आपके बारे में पता चल रहा है, उनको लग रहा है यार ये तो बहुत केपेबल है। तो आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है ना, वो इतनी उभर के आ रही है कि लोग उससे परेशान हो रहे हैं। और उस चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से लोगे, जैसे कि आपको लग रहा है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई, इसीलिए लोग मुझसे जल नहीं, मतलब आपको जलन की बजाय आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कोई गलती की। द ट्रूथ इज़ कि जो ये लोगों के पास नहीं है, वो आपको मिला है आपकी कर्मा की वजह से, और आपको ये फेस करना पड़ेगा। जेलेसी, हार्ट एक, लोग आपके बारे में नेगेटिवली बोलें, वो आपको हर्ट करेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी ग्रोथ, अनलिमिटेड सक्सेस और अनलिमिटेड ग्रोथ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कोई पर्सन आपके आसपास है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, हो सकता है कि वो ना बताएं आपको। पूरे मार्च मंथ में आपको ये फील होगा, बट आपको वो रिवील नहीं करेंगे। और ये पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं, हो सकता है कि आपका बहुत ही जल्द एक रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप रिलेशनशिप में होने वाले, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होगा, एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, एक दूसरे के लिए जियोगे मरोगे, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जेलेसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो यह जेलेसी बहुत रहेगी, बट आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर गुड इनाफ। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आपके आसपास, वो है लीब्रा, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड अक्वेरियस, जेमिनाय, ठीक है, मेनली लीब्रा एंड वर्गो। सो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पास पैसा बहुत आने वाला है, ग्रोथ, सक्सेस, पोजीशन, नेम, फेम, जो भी आप सीक कर रहे हो आपको मिलेगा, बट आपको चूज़ करना है कि आप इन लोगों की वजह से अपने आप को अफेक्ट होने दोगे मेंटली और इमोशनली, या फिर आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आगे लेकर जाने वाली है, और नॉलेज गेन करो तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने वाले हो मार्च मंथ में, और बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आओगे आप। आपके लिए एडवाइस है कि आप क्लियर क्वार्ट्स लो। क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल आपको अपनी फीलिंग्स, अपने आपको डिसर्न करने में हेल्प करेगा, सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको एंजल मैसेजेस और गाइडेंस देने के लिए क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे 67-28 एज के हो सकते हैं, एज जस्ट नंबर, 30s में भी हो सकते हो आप। बट व्हाट आई एम सीइंग के जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देंगे, तो आपका एक बहुत ही स्पिरिचुअल लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी बनेगा, और आप ग्रो भी बहुत ज़्यादा करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, काफ़ी पैसा आएगा, ठीक है, और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा यू नो ग्रो करेगी। ब्रॉडर पिक्चर में देखिए, आप बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल जिएंगे आप, ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो कुछ लोग यहाँ पे सजिटेरियस हो सकते हैं। सो यस, क्लियर क्वार्ट्स इज़ वेरी गुड फॉर यू, और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, ग्रो करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ नया आप सीखते हो, करते हो, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी फील करवाता है, बट इन द एंड ऑफ द डे जो सही है वो जीतता है। तो आप सही हो तो आप जीतोगे, जो लोग जलते हैं उनका काम जलना है, उनको जलने दीजिए, ठीक है। और अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में है और आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलिएगा। शेयर सम लव, शेयर करिए वीडियो को, और बताइए कमेंट सेक्शन में किस तरह की और वीडियोज़ आप चाहोगे। सी यू अगेन, बाय। पाइल नंबर 3, लेट्स सी योर मैसेजेस। मार्च में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है? सो सबसे पहले तो हमने लिया हार्ट वाला कार्ड, देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट right now to take a step back and spend some time alone instead of placing focus on one another. Now is the time to give yourself. All right, then we're having magic works through you. Okay, fir uske baad hamare paas hai 6 of Pentacles, Ace of Swords,
क्वीन ऑफ वांड्स, टॉयल एंड लेबर. I'm starting to understand our connection, the world. Keep an open mind, artist. Pucker up, buttercup. Work through your fears. Coming to the edge. सो रिस्क टेकिंग थोड़ा छोटा कर देते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे है लव, उसके बाद है हमारा नॉट द राइट टाइम, और फिर उसके बाद है हमारे पास प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गार्नेट. इसको इस तरह से, so, सबसे पहले तो ऐसा है कि सबसे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर फोकस करना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ स्टेप बैक एंड प्लेस योर फोकस. दूसरों पे फोकस करने के बजाय, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने के बजाय, आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है. ठीक है, सबसे ज़्यादा तो पहले आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है. बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आप पाने वाले हो, बहुत बड़ा कुछ. आपको जो भी आपका ड्रीम था, आपका एम्बिशन था, वो आपको पूरा होने वाला है. आपका मेजर लाइफ पर्पस सॉल्व होने वाला है. आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में, वो बहुत अबंडेंस क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा करियर पे फोकस करने वाले हो मार्च पे. और टॉयल एंड लेबर, येस दैट्स अ कन्फर्मेशन. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे क्वीन ऑफ वांड्स के साथ. आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले अपने करियर को लेकर, और यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है. हो सकता है कि आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जाओ, या फिर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले. आप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हो अपने करियर में. ठीक है, सो यहाँ से आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होने लगी है. ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, पैसा, सक्सेस, और आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी फील करने वाले हो, अट्रैक्टिव फील करने वाले हो. ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, तो एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो. आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है. ठीक है, लेकिन क्या करना है कि आपको चीज़ें जो डराती हैं, जो चीज़ों से आपको डर लगता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करते. आपको डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि यू नो जो मेरे पास है वो भी मेरे हाथ में ना रहे. तो ये जो डर है ना, वो आपको भगाना है. कुछ लोग के केस में क्या है कि आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो. स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. ठीक है, तो वो डर हो सकता है. तो किसी ना किसी तरीके का डर जो है वो आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है. तो वो पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जो आपके माइंड में अभी भी चल रहे हैं, उनको कट ऑफ करो, ताकि आप सारी एनर्जी अपने ऊपर ला सको. दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में लव को टाइम है, ट्रू लव को टाइम है. तो अभी के लिए आपको उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा वेट करो, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप. जब रिलेशनशिप की बात आती है, तो जब ये रिलेशनशिप होगा, आपकी लाइफ चेंज होगी. बट पहले आप अपनी लाइफ को अपने करियर के थ्रू चेंज करने लगे हो मैजिकली. हो सकता है आपका नाम हो जाए, हो सकता है आप फेमस हो जाओ. एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो. ठीक है, सो जो पास्ट का आपको ब्लॉकेज फील होता है पास्ट पर्सन को लेकर, वो पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में फोकस नहीं आ पा रहा. ठीक है, जो आप मार्च में लेकर आएंगे, आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने को मिलेगी. डिसेंट जॉब, डिसेंट पे, या फिर कोई आप अब्रॉड जाओगे, या फिर कुछ भी ऐसा, आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ, एम्पल ग्रोथ है. ठीक है, और आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा. जैसे आपके करियर को लेकर जो भी आप सोचते हो
कि नहीं छोड़ो ये क्या करना है, तो आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपका करियर ग्रो करेगा, उसके बाद आपकी लव लाइफ ग्रो करेगी। आई फील लाइक कि आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करने वाली है। एक बार जब आप अपना करियर फ्लरिश कर लोगे, यू विल कीप एन ओपन माइंड। आपके सोलमेट ना आपसे बहुत अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। उनका स्टाइल, उनकी सोच आपसे अलग होगी, आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत अलग और स्ट्रांग और मैजिकल होगा, ठीक है। और बहुत स्ट्रांग लव होगा आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में, पर आपको वेट करना होगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ से हटाना होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके और आपकी ग्रोथ में आ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ एम्पल है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो आप। हो सकता है आपको फेम मिले, सक्सेस मिले, आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़े वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस है गार्नेट। गार्नेट आपको पास्ट एनर्जी से, जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स, इमोशंस हैं, कुछ भी है, वो आपको क्लेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी एनर्जी, बैड एनर्जीज है, ईविल एनर्जीज है, वो रिलीज करेगा आपके सिस्टम से और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो यू कैन गेट अ गार्नेट एंड यस, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड आई फील लाइक कि अगर आप किसी भी जॉब में हो, उसमें आप अपना आर्टिस्टिक टैलेंट लेकर आएंगे, उसमें आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स लेकर आएंगे अपने तरीके से, इसलिए आपका जो काम है वो स्टैंड आउट करेगा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगा, और बहुत लोग आपको कहते हैं ना कि एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह देखेंगे, कि आप मतलब मेंटर की तरह हो, अलग हो सबसे। तो आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और लॉयल रहेगी। हो सकता है स्कॉर्पियो हो, एरीज, सजिटेरियस, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या लीब्रा, जेमिनी, अक्वेरियस। सो यह सारे साइंस हैं। बाकी आपके पर्सन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, आपके अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जैसे आपने सोचे वैसे उससे बिल्कुल अलग, बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत प्यार और अट्रैक्शन होगा और केयर और लव होगा। एंड वर्ल्ड, समथिंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, विच मीन्स कि आपका होल, आपकी लाइफ ना बिल्कुल 180 शिफ्ट होने वाली है, पूरा का पूरा चैप्टर एक नया खुलने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो पास्ट था वो अब आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगा, इसीलिए पास्ट की जो एनर्जीज हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन और स्टोन के लिए गार्नेट यूज़ करिए, एनर्जाइज ले सकते हो। सो यहाँ पर क्या है कि थोड़े बहुत रिस्क आपको लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसिव सक्सेस मिलेगी। फोकस्ड रहिए, मार्च मंथ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, आप खुद बहुत अच्छा फील करोगे, आप शॉपिंग भी करोगे मार्च मंथ में। सो यहाँ पे क्या है कि मैजिक आपके अंदर है, आपको कोई और नहीं आएगा लेकर खुशियाँ, आप खुद अपनी खुशी हो, ठीक है। और जो आपका पर्सन है और आप हो, आप अंडरस्टैंड करने लगोगे कि यही है, डिफरेंट है बट यही है वो मेरे पर्सन। सो आपके पर्सन को टाइम लग सकता है आने में, कुछ एक साल या एक महीना, ये भी हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो दैट्स योर रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलेगा, और किस तरह की रीडिंग्स आपको चाहिए मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए रीच आउट कर सकते हो, स्पेल्स और क्रिस्टल्स के लिए आपको डिटेल्स नीचे मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। आई विल सी यू बैक अगेन, बाय, लव यू ऑल।